हेलो एंड वेलकम टू टेक इन्फो YT। तो प्रीवियस वीडियो में हमने जो है यहाँ पर यूजर को अपडेट करने के लिए यहाँ पर इस अपडेट के बटन के अंदर जो है फंक्शनैलिटी ऐड की थी और यहाँ पर यूजर के बदले हमने यूजर 123 किया था। अब हमको क्या करना है, जैसे ही हमारे पास कोई भी आइटम कार्ट में हो और प्रोसीड टू चेकआउट करें हम, तो यहाँ पर हमको जो है यूजर का एड्रेस फिल करने के लिए जो है शिपिंग एड्रेस का फॉर्म आना चाहिए। तो इस वीडियो में हम जो है यहाँ पर इसका फॉर्म क्रिएट करेंगे और साथ ही में जो है ब्रेड क्रम्स भी यहाँ पर ऐड करेंगे ताकि यूजर को भी पता चले कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो हम क्या करेंगे, फिलहाल जो है शिपिंग के लिए करेंगे, फिर पेमेंट के लिए और फिर प्लेस ऑर्डर के लिए। तो चलिए आप भी विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लें, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूले। तो विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, कांस्टेंट के फोल्डर के अंदर जाना है। तो कार्ट कांस्टेंट के अंदर हम क्या करेंगे, एक न्यू यहाँ पर कांस्टेंट क्रिएट करेंगे। तो आप भी लिखे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट और यहाँ पे हम लिखेंगे कार्ट सेव अंडरस्कोर शिपिंग अंडरस्कोर एड्रेस और साथ ही में आप क्या करें इसको एज अ स्ट्रिंग भी यहाँ पर लिख लें। इसको सेव कर लेते हैं, सेव करने के बाद इस फाइल को जो है क्लोज कर देते हैं और एक्शन इसके लिए हम क्रिएट करते हैं। तो कार्ट एक्शन डॉट जेएस की फाइल में नीचे स्क्रॉल करें और यहाँ पर हम क्या करेंगे, न्यू एक्शन क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे आप लिखें एक्सपोर्ट कॉन्स्ट और इस फंक्शन का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि हम रखेंगे सेव शिपिंग एड्रेस और ये एरो फंक्शन रहेगा। अब हमारे पास क्या है, ये जो सेव शिपिंग एड्रेस है तो ये डेटा हमारे पास फॉर्म से आने वाला है। तो एज अ आर्ग्यूमेंट भी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डेटा को रिसीव करेंगे और यहाँ पर जो है रिडक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर डिस्पैच भी करेंगे। तो डिस्पैच, तो फंक्शन के अंदर हम फंक्शन लिख सकते हैं। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर से जो है डिस्पैच करना है, तो डिस्पैच और उसके अंदर सबसे पहले आपको जो है टाइप डिफाइन करना है। तो टाइप हमारे पास क्या है, यहाँ पर है कार्ट अंडरस्कोर सेव शिपिंग एड्रेस ये वाला, इस पर क्लिक करेंगे तो ऊपर ऑटोमेटिकली इम्पोर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये इम्पोर्ट हो चुका है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, इस डिस्पैच के बाद में जो है यहाँ पर लोकल स्टोरेज में जो है डेटा को सेट करेंगे। कौन से डेटा को, हमारे शिपिंग एड्रेस को। तो लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम यहाँ पे करेंगे हम सेट आइटम और इसका नाम हम रख सकते हैं शिपिंग एड्रेस। और हाँ, ये जो रहेगा ये हमारे पास जो है जेसन में कन्वर्ट होना चाहिए। तो जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई और आपका जो भी डेटा है उसको जो है आप एज अ स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो। अब इसको हम सेव कर देते हैं और सेव करने के बाद हम चलेंगे अब रिड्यूसर के अंदर। तो आपको जाना है रिड्यूसर का फोल्डर और कार्ट रिड्यूसर और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इस केस के बाद में जो है यहाँ पर न्यू केस क्रिएट करेंगे। तो आप क्या करें, यहाँ पर लिखे केस और कार्ट अंडर स्कोर सेव शिपिंग एड्रेस, इस पर क्लिक करो, ऑटोमेटिकली ये जो है इम्पोर्ट हो जाएगा। और साथ ही में क्या करेंगे, हम यहाँ पर रिटर्न करेंगे सबसे पहले, तो जो भी स्टेट में डेटा है हमारे पास वो हम रिटर्न करेंगे। उसके बाद में हमारे पास रहेगा शिपिंग एड्रेस और इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक्शन डॉट पेलोड कर देंगे, यानी कि जो भी हमारे पास पेलोड आएगा हम इस शिपिंग एड्रेस के अंदर जो है उसको स्टोर कर देंगे। और इसको सेव कर लें, सेव करने के बाद आप क्या करें, स्टोर डॉट जेएस की फाइल में आए और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारे पास लोकल स्टोरेज में जो भी डेटा है उसको जो है यहाँ पर हम पार्स कर देंगे। तो कॉन्स्ट शिपिंग एड्रेस फ्रॉम स्टोरेज और हम क्या करेंगे यहाँ पर चेक कर लेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे आपको लिखना है लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, गेट आइटम में हमारे पास क्या है शिपिंग एड्रेस। अगर ये रहा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जेसन की मदद से जो है इसको पार्स कर देंगे। तो जेसन डॉट पार्स लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, गेट आइटम में हमारे पास है शिपिंग एड्रेस। अगर नहीं है तो सिंपली हम एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट यहाँ पर फिल कर देंगे। यहाँ पर हमने जो है हमारा लोकल स्टोरेज से जो है गेट कर लिया और उसको जो है शिपिंग एड्रेस फ्रॉम स्टोरेज के वेरिएबल में स्टोर कर दिया। अब आपको क्या करना है, इसके बाद में आना है नीचे कार्ड के अंदर और यहाँ पर आप क्या करेंगे, कॉमा लिखेंगे और यहाँ पे आपको लिखना है शिपिंग एड्रेस और हमारे पास वेरिएबल है शिपिंग एड्रेस फ्रॉम स्टोरेज, इसको आपको यहाँ पर पास कराना है। अब इतना लिख के आप इसको सेव कर लें और एक बार हम क्या करते हैं, हमारी एप्लीकेशन में चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर एप्लीकेशन और एक बार एप्लीकेशन को हम जो है रिलोड कर देंगे। तो यहाँ पर एप्लीकेशन रिलोड हो चुकी है, स्टेट पे चेक करते हैं कार्ट और कार्ट के अंदर अब हमारे पास देखिए शिपिंग एड्रेस जो कि इनिशियली एम्प्टी है। अब हमको क्या करना है, जैसे ही प्रोसीड टू चेकआउट पर क्लिक हो तो यहाँ पर जो है इसके लिए स्क्रीन शो करना है।
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक न्यू कंपोनेंट क्रिएट करेंगे स्क्रीन के अंदर। तो मैं इन तमाम को जो है क्लोज कर देता हूँ, और इस स्क्रीन के अंदर हम क्या करेंगे, न्यू यहाँ पर एक कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। तो इस स्क्रीन के फोल्डर पर राइट क्लिक करें और एक न्यू कंपोनेंट हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे हमारे शिपिंग के लिए। तो आप इसका नाम रख सकते हैं शिपिंग स्क्रीन डॉट जे एस एक्स। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले एक एरो फंक्शन बना देंगे। तो आर एफ सी ई, और ये बन गया हमारा एक एरो फंक्शन। साथ ही में हम क्या करेंगे, कुछ चीजें इम्पोर्ट कर देंगे यहाँ पर, जैसे कि हमको स्टार्ट में इम्पोर्ट करना है यूज स्टेट, क्योंकि स्टेट भी हमको यहाँ पर लगेंगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूज स्टेट। इसके बाद में हमारे पास है बूटस्ट्रैप की कुछ क्लासेस, वो भी हमको यहाँ पर यूज करना है। तो हम करेंगे इम्पोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट बूटस्ट्रैप, जिसमें से हमको चाहिए बॉक्स। उसके बाद में हम क्या ले सकते हैं, इसमें से बटन भी ले लेंगे, बटन भी लगेगा हमको। तो आप यहाँ पर बटन भी ऐड कर दें, और कुछ लगता है तो हम नीचे इसको और इम्पोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद में हमारे पास है रिडक्स। तो रिडक्स के अंदर से हमको क्या चाहिए, यहाँ पर कुछ चीज़ें चाहिए, तो हम उसको भी इम्पोर्ट कर देते हैं। तो रिएक्ट रिडक्स में से सबसे पहले आता है इसमें हमारे पास यूज सेलेक्टर, और हमारे पास क्या आता है दूसरा, यूज डिस्पैच। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ यूज डिस्पैच। इसके बाद में हम क्या करेंगे, फॉर्म कंटेनर को भी इम्पोर्ट कर देंगे। तो इम्पोर्ट फॉर्म कंटेनर डॉट स्लैश, उसके अंदर है हमारे पास कंपोनेंट्स का फोल्डर, उसके अंदर है शेड, शेड फोल्डर के अंदर हमारे पास फॉर्म कंटेनर। और इसकी स्पेलिंग गलत है, लेकिन अब रहने दीजिए क्योंकि हम ऑलरेडी इसको यूज कर चुके हैं। और साथ ही में हमको क्या लगेगा, एक्शन की फाइल भी लगेंगी। तो हम यहाँ पे हमारा एक्शन भी इम्पोर्ट कर देंगे। तो इम्पोर्ट समथिंग फ्रॉम डॉट डॉट स्लैश एक्शंस, एक्शंस के अंदर हमारे पास कार्ट एक्शन। और इसमें से हमको क्या चाहिए, न्यूली जो हमने क्रिएट किया है सेव शिपिंग एड्रेस, तो ये वाला हमको इम्पोर्ट करना है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हिस्ट्री का भी इस्तेमाल करेंगे। तो आप क्या करें, यहाँ पर हिस्ट्री को भी ऐड कर दें, क्योंकि इसके थ्रू हम क्या करेंगे, रीडायरेक्ट करेंगे यूजर को। और इस डिव की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट फॉर्म कंटेनर का इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉर्म कंटेनर। और ऊपर क्या करेंगे, हम यहाँ पर स्टेट डिफाइन कर देंगे, जिसके अंदर जो है हम यूजर की इंफॉर्मेशन सेव करेंगे। तो एड्रेस, सिटी, पोस्टल कोड और कंट्री, उसकी हम यहाँ पर सेव कर सकते हैं। तो चलिए क्या करते हैं, हम सबसे पहले यहाँ पर रिडक्स स्टेट में से जो है यहाँ पर गेट करते हैं पहले डेटा को। तो कॉन्स्ट कार्ट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हमारे पास क्या है, यूज सेलेक्टर। यूज सेलेक्टर के अंदर हमको स्टेट मिलती है, और इस स्टेट में से हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है कार्ट को एक्सट्रैक्ट करेंगे। और कार्ट क्यों चाहिए, कार्ट के अंदर हमारे पास शिपिंग एड्रेस है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट, कॉन्स्ट के अंदर से डिस्ट्रक्चर करना है हमको। तो यहाँ पे हम डिस्ट्रक्चर करेंगे शिपिंग एड्रेस को। तो यहाँ पे आप लिखे शिपिंग एड्रेस, एक कार्ट के अंदर हमने स्टोर किया था, वहां से हम इसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो है स्टेट बना देंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे आप लिखे कॉन्स्ट, कॉन्स्ट फिर एरे, एरे के अंदर जो है यूज स्टेट का इस्तेमाल करेंगे हम। और इनिशियली इनको क्या करेंगे, हम शिपिंग एड्रेस से फिल कर देंगे। तो ये वाले शिपिंग एड्रेस है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास एड्रेस रहेगा, और उसके बाद में सेट एड्रेस। और क्या करेंगे हम इसके बाद में, इनिशियल स्टेट में हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए शिपिंग एड्रेस डॉट एड्रेस से इसको जो है फिल कर देंगे, क्योंकि हमको जो है नेक्स्ट पेज पर भी ये डेटा चाहिए, इसलिए हम इसको साथ में फिल भी करेंगे। तो नेक्स्ट है कॉन्स्ट, और एड्रेस के बाद में हम क्या लिख सकते हैं, सिटी, सेट सिटी, और इसको भी हमको क्या करना है, फिल करना है। तो फिल किससे करेंगे, सेम शिपिंग एड्रेस डॉट सिटी से। उसके बाद में एक और कॉन्स्ट यहाँ पर हम ले लेंगे, फिर सिटी के बाद में हम क्या कर सकते हैं, पोस्टल कोड ले सकते हैं, पोस्टल कोड, और फिर इसको लोअर केस में रहने देता हूँ, पोस्टल कोड, सेट पोस्टल कोड, सेट पोस्टल कोड। और इसको भी क्या करना है, इनिशियली आपको जो है यहाँ पर शिपिंग एड्रेस डॉट पोस्टल कोड से फिल कर देना है। इसके बाद में हमारे पास लास्ट में बचता है कंट्री, कंट्री को भी हम क्या करेंगे, सेम उसी तरीके से पहले इसको सेट कर देंगे, सेट कंट्री, और इसको भी जो है इनिशियली जो है हम फिल कर देंगे। तो यूज स्टेट, और यहाँ पे आपको क्या करना है, शिपिंग एड्रेस डॉट कंट्री। और हम क्या करेंगे, यूआई में जो एक फॉर्म क्रिएट कर देंगे। तो फॉर्म के अंदर जो हमारे पास एक मेथड रहता है ऑन सबमिट पे, ऑन सबमिट पे हम क्या करेंगे, एक हैंडलर क्रिएट करेंगे। तो इसका नाम आप क्या रख सकते हैं, मैं सेम रहने देता हूँ सबमिट हैंडलर, और इसको जो है हम ऊपर क्रिएट कर देंगे यहाँ पर। तो थोड़ा स्पेसिंग भी दे देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे।
और इसको हम जो है एज अ कॉन्स्ट और एरो फंक्शन बना देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर एज अ एरो फंक्शन यहाँ पर बना देंगे, और इसके अंदर हमारे पास एज अ आर्ग्यूमेंट ई होता है, और ई के अंदर हम क्या करते हैं एक्सीडेंटली जो है प्रेस होने पर, यानी फॉर्म सबमिट ना हो इसलिए हम क्या करते हैं ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट यहाँ पर इसका मेथड लिखते हैं। अब इसके बाद में क्या रहता है हमारे पास, जो भी हम डिस्पैच करना चाहें। तो अभी तो रुकता हूँ मैं, पहले फॉर्म क्रिएट करता हूँ फिर हम जो है डिस्पैच करेंगे। तो फॉर्म कैसे क्रिएट करना है हमको, देखिए हमारे पास क्या है, सबसे पहले जो है इनपुट रहेंगे यूजर के एड्रेस के लिए, जो भी हमने यहाँ पर क्रिएट किया एड्रेस, सिटी, पोस्टल कोड और कंट्री के लिए। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर जो है फॉर्म ग्रुप क्रिएट करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे आपको लिखना है फॉर्म ग्रुप, फॉर्म डॉट ग्रुप, और इस फॉर्म ग्रुप के अंदर हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको पहले आईडी दे देते हैं यहाँ पर कंट्रोल आईडी की, और इसकी आईडी में हम क्या देते थे एड्रेस, और इसके अंदर हम क्या करेंगे यहाँ पर जो है सबसे पहले एक लेबल दे देंगे। तो आप फॉर्म डॉट लेबल लिखें, फॉर्म लिख दिए और उसके बाद में आप डॉट लगा के जो है लेबल लिख लें, तो ये फॉर्म लेबल बन जाएगा। और इसके अंदर आपको लिखना है सिंपली एड्रेस, और अब इनपुट बॉक्स चाहिए हमको, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे एक और फॉर्म क्रिएट करेंगे, फॉर्म फिर डॉट कंट्रोल रहेगा, और इसका टाइप क्या रखेंगे हम यहाँ पर, आप टाइप इसका टेक्स्ट रख सकते हैं या फिर एड्रेस भी रख सकते हैं, क्योंकि HTML5 में हमको ये भी मिलती है फैसिलिटी। और उसके बाद में हम क्या करेंगे यहाँ पर प्लेस होल्डर ऐड कर देंगे, जिसमें हमको जो है कुछ प्री फिल्ड टेक्स्ट दिखाई देगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इंटर एड्रेस, उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर जो है इसकी वैल्यू सेट कर सकते हैं। तो वैल्यू मैं इसको क्या करता हूँ नीचे कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से यहाँ पर दिखाई दे, प्लेस होल्डर है, उसके बाद में हमारे पास वैल्यू है, वैल्यू के अंदर है हमारे पास एड्रेस। अब ये एड्रेस और ये वाला एड्रेस सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे हमने वैल्यू के अंदर एड्रेस ऐड कर दिया। उसके बाद में हमारे पास क्या है यहाँ पर ऑन चेंज इवेंट है, तो ऑन चेंज, और इसके अंदर हमारे पास है ई, ई के बाद में ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, और इस वैल्यू को हमको क्या करना है इस एड्रेस के अंदर जो है सेव करना है। तो आपको क्या करना है, इससे पहले लिखना है सेट एड्रेस, और यहाँ पर इसको पैरेंथेसिस के अंदर आपको लिखना है, तो इसमें जो भी टाइप होगा वो जो है इस एड्रेस के अंदर जो है सेट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे सेम इसी को जो है कॉपी पेस्ट कर देंगे, सेम सिटी के लिए, फिर कंट्री के लिए और पोस्टल कोड के लिए। तो मैं क्या करता हूँ इसको 3 बार पेस्ट कर देता हूँ, और सेकेंड वाला हमारे पास रहेगा यहाँ पर सिटी के लिए। तो आप क्या करें एड्रेस के बदले यहाँ पर सिटी कर दें, टैक्स ही रहेगा इंटर सिटी, और यहाँ पर आप इसको जो है सिटी कर दें, और सेट एड्रेस के बदले हम क्या करेंगे यहाँ पर सिटी कर दें। उसके बाद में क्या था हमारे पास पोस्टल कोड, यहाँ पे आप इसको लिख दें पोस्टल कोड, यहाँ पर भी आप लिख दें इसको पोस्टल कोड, टाइप टैक्स ही रहेगा इंटर पोस्टल कोड, और यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको भी कर देंगे पोस्टल कोड और सेट पोस्टल कोड। इसके बाद में हमारे पास क्या है कंट्री है, यहाँ पे आप लिखे कंट्री, सेम यहाँ पे भी आप चेंज कर दें इसको कंट्री, और यहाँ पर टाइप टेक्स्ट है इंटर कंट्री कर देंगे हम, और सेम यहाँ पर भी आप क्या करें इसको कंट्री कर दें, और सेट एड्रेस के बदले यहाँ से इसको कट करके आप सेट कंट्री कर दें। तो सक्सेसफुली यहाँ पर बन चुका है फॉर्म, और हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर जो है एक बटन भी ले लेंगे फॉर्म के बाद में, या फिर फॉर्म ग्रुप के बाद में भी कर सकते हैं। तो बटन यहाँ पर ऐड कर देंगे हम, और बटन का टाइप आपको रखना है सबमिट, और इसका वेरिएंट भी आप जो है यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्राइमरी दे देता हूँ मैं वेरिएंट, इसका नाम हम जो है यहाँ पर रख देते हैं कंटिन्यू, तो हमारा फॉर्म जो है वो स्टिल कंटिन्यू में रहेगा कंटिन्यू। और हम क्या करेंगे यहाँ पर अब जो है इस सबमिट हैंडलर के अंदर जो है डिस्पैच कर देंगे, तो यहाँ पे आपको लिखना है डिस्पैच। तो डिस्पैच को आप क्या करें पहले यहाँ पर जो है ऐड कर लें, तो ऊपर हम क्या करते हैं यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं कॉन्स्ट dispatch is equals to use dispatch, तो ये वाला ऊपर जो इम्पोर्ट किए use dispatch, तो इसको हम क्या कर रहे हैं इस constant के अंदर सेव कर रहे हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं dispatch कर सकते हैं, तो dispatch, और dispatch के अंदर आपको क्या करना है यहाँ पर जो है हमने जो action create किया था save shipping address, यहाँ पर उस function को execute करना है। सबसे पहले हमारे पास रहेगा इसमें एड्रेस, एड्रेस के बाद में है सिटी, सिटी के बाद में पोस्टल कोड, उसके बाद में हमारे पास है कंट्री,
और इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है पुश कर देंगे इसको। तो हिस्ट्री डॉट पुश की मदद से हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसको जो है पेमेंट के पेज पे जो है रिडायरेक्ट कर देंगे। तो पेमेंट अभी ये हमने क्रिएट नहीं किया है, तो थोड़ी देर में हम इसको भी क्रिएट करेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद आपको क्या करना है, app.js पर जाना है और यहाँ पर जो है सबसे पहले इम्पोर्ट करना है आपकी स्क्रीन को। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, शिपिंग स्क्रीन फ्रॉम डॉट स्लैश, फिर इसके अंदर है हमारे पास स्क्रीन का फोल्डर, इसके अंदर है हमारे पास शिपिंग स्क्रीन। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस लॉगिन स्क्रीन के नीचे मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। इसका पाथ मैं रखता हूँ शिपिंग और कंपोनेंट का नाम हम रख देंगे शिपिंग स्क्रीन और इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद चलते हैं वापस ब्राउजर पर और हमारी एप्लीकेशन को रिलोड कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ एरर है, फॉर्म फ्रॉम कंटेनर इज नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पर हमारे पास शिपिंग स्क्रीन फ्रॉम कंटेनर, अच्छा ये वाला फॉर्म कंटेनर हमने नाम रखा था, तो मैं सेम नाम रख देता हूँ, आई थिंक उसकी वजह से इश्यू हो रहा है। मैं इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट, तो इसको वापस से सेव करते चलते वापस एप्लीकेशन पर और इसको एक बार रिलोड कर देते हैं। तो यहाँ पर एप्लीकेशन रिलोड होने के बाद सक्सेसफुली जो है हमारे पास यहाँ पर आ चुका है एड्रेस, सिटी और पोस्टल कोड, फिर कंट्री। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, इन तमाम फील्ड को जो है रिक्वायर कर देंगे, क्योंकि अगर एक्सीडेंटली जो है यूजर प्रेस कर देगा तो हो सकता है कुछ एरर आ जाए हमारे पास या फिर ऑब्जेक्ट हमारा जो है वो नल हो जाए। तो इसके बाद में हम क्या करेंगे, HTML5 का जो रिक्वायर्ड का फील्ड होता है उसको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो अगर बटन पे क्लिक भी करता है तो यहाँ पर शो होगा। तो हम क्या करेंगे, बाकी सभी को भी जो है रिक्वायर्ड फील्ड कर देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस बनी रहेगी। और इसको सेव कर लेते हैं, वापस चलते हैं और एक बार एप्लीकेशन को रिलोड कर देते हैं। तो हमारी एप्लीकेशन रिलोड हो चुकी है। जैसे मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा तो देखिए हमारे पास एक मैसेज आएगा, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। तो सक्सेसफुली जो हमने यहाँ पर एड्रेस बार क्रिएट कर दिया है। अब अगर हम इसको फिल करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे भरता हूँ एड्रेस, नो नेम, सिटी मुंबई, उसके बाद में पोस्टल कोड यहाँ पर हम कुछ भी रख सकते हैं 4000, उसके बाद में कंट्री इंडिया। तो अब जैसे ही हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो हम जो है पेमेंट के पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो इस पर क्लिक करता हूं मैं, तो देखिए हमारे पास जो है पेमेंट पर रिडायरेक्ट हो गया। और डिफ के अंदर अगर आप देखें तो यहां पर हमारे पास डेटा स्टोर हो जाएगा। तो स्टेट में अगर अभी आप चेक करेंगे तो आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा, लेकिन मैं क्या करता हूँ एक स्टेप बैक आता हूँ और फिर हम क्या करेंगे, फिर से कोई एक प्रोडक्ट यहाँ पर एड टू कार्ट करेंगे और प्रोसीड टू चेकआउट पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक करते हैं तो देखिए हमारे पास फिर से वही डेटा आ जाता है और स्टेट के अंदर भी अगर हम देखें कार्ट, कार्ट के अंदर है शिपिंग एड्रेस। तो सक्सेसफुली जो हमारी फंक्शनैलिटी काम कर रही है। अभी भी इसमें कुछ भी आपको एरर आ सकता है क्योंकि हमने जो है अभी नेक्स्ट यहाँ पर क्रिएट नहीं किया है। तो ये जो है लोकल स्टोरेज में डेटा है, तो हो सकता है यहाँ पर आपको कुछ शो करे या ना करे। और इसके बाद में अगर आप बैक जाके जो है यहाँ पर प्रोसीड टू चेकआउट करेंगे तो आपको हो सकता है कुछ इस तरीके से एरर आए। क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या है, वहां पर से यूजर जो है रिडायरेक्ट हो रहा है और उससे फिर बैक हो रहा है, तो इसकी वजह से आपको ये एरर आ सकता है। तो जैसे ही हम इसको वापस से जो है रिफ्रेश कर देंगे तो ये एरर चला जाएगा। देखा, तो ये एरर हमारा चले गया। तो ये एरर आ सकता है, तो उस एरर को भी हम जो है बाद में फिक्स कर लेंगे। अभी हम क्या करेंगे, जैसे कंटिन्यू पर क्लिक होता है तो पेमेंट का ऑप्शन हम यहाँ पर ऐड कर देंगे और साथ ही में हम क्या कर सकते हैं, ब्रेड क्रम भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे इस शिपिंग के पेज पे देखिए हमारे पास क्या है, एड्रेस है। तो एड्रेस के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर जो है आपने देखा होगा कोई भी फॉर्म में आता है एड्रेस, फिर पे आउट, नॉर्मल जो ई कॉमर्स एप्लीकेशन में आती है ब्रेड क्रम्स, तो सेम उसी तरीके से हम इसमें भी ऐड करेंगे। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।